केंद्र की भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों से लोकतंत्र और देश की जनता को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान करने की अपील के साथ साथ ही आम आदमी पार्टी ने अजमेर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला को समर्थन भी दिया। आम आदमी पार्टी के राकेश शर्मा ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि आम आदमी पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट के निर्देशानुसार आज जिला अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी की मौजूदगी में कांग्रेस को समर्थन दिया गया। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट ने घोषणा की है और प्रेस विज्ञप्ति पहले भी जारी की जा सकती है, उसी की अनुपालना में हमारा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को रहेगा। ये सोच के बोलना पड़ता है यार, टेलीफोन है आपका। लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड अगर पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के हिसाब से देखें तो उत्तर में 191 और दक्षिण में 200, उत्तर में 253 और दक्षिण से कोई मतदान नहीं है। 4,357 वोट कुल है पूरे जिले में उस कैलकुलेशन में, उसमें आपके समर्थन देने का या नहीं देने का क्या औचित्य रहेगा लगता है आपको? आपको शायद मालूम होना है कि हम पहली बार विधानसभा चुनाव में पहली बार हमने पार्टिसिपेट किया और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की ये पहली एंट्री थी जिससे लोगों को जानकारी मिली कि आम आदमी पार्टी भी कुछ है और लोगों ने उससे जो हमारे कार्यक्रमों से रूबरू हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस बार जो हमारा प्रोग्राम है और लोकसभा में कैंडिडेट खड़े करने का यही है कि जब तक हम पूरी मजबूत स्थिति में आम जनता तक नहीं पहुंच जाएं और लोगों तक अपने विचार पार्टी के नहीं पहुंचा पाए तब तक हम इसमें चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तो मालूम है ना जी? कांग्रेस प्रत्याशी का नाम है, बताया नहीं मेरे भी मालूम है, मैं बता रहा हूँ। आपको जानकारी नहीं है? हाँ, रिजू झुनझुनवाला जी। जब कांग्रेस प्रत्याशी है तो कांग्रेस प्रत्याशी एक ही है। कहाँ पता है अभी तो अजमेर के कैंडिडेट है, हमारे प्रतिनिधि है, रहने वाले भले उनका बिजनेस सही का ही हो लेकिन हमारे प्रतिनिधि है, मतलब अजमेर के प्रतिनिधि। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।